गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। आप वीडियो पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा मेरा, लोगों को शेयर भी कर दो। अब मैं जा रहा हूँ आज फरीदपुर, वहाँ पर एक बाज़ार लगता है, जैसे दिल्ली में लगता है मंगल बाज़ार, ऐसे ही वहाँ पर एक बुध बाज़ार लगता है। वहाँ पर मतलब काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं उस मार्केट में जा रहा हूँ आज घूमने, कुछ शॉपिंग भी करनी है, ब्लॉग भी शूट करना है मुझे। मेन काम तो मेरा ब्लॉग शूट करने का है, वो मेरे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। यदि ठंड में मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, शौर थोड़ा सा मेरा भी है, लेकिन घर बैठे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लोगों में शेयर करो, आगे बढ़ाओ। स्टेशन पे हूँ मैं अभी, ये मेरे यहाँ का स्टेशन है। ट्रेन आने वाली है, अभी ट्रेन तो आई नहीं है, टाइम लगेगा ट्रेन आने में। बहुत कोहरा है, बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ गिर रही हो आज, बहुत ठंड है। चलो वहाँ चल के आए, करेंगे कंटिन्यू। दोस्तों ट्रेन आ गई, देखिए चली आ रही है, लौपा से काम ही नहीं। पूरा दोस्तों फरीदपुर में आ गए हैं, ये फरीदपुर का बाजार यहाँ पे सामने लगा हुआ है। मैं इसके अंदर जाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा अंदर का। देखिए साइड रोड पे लगा हुआ है काफ़ी, तो बाहर रोड साइड लगा हुआ है, बाकी अंदर लगता है वो दिखाऊँगा मैं आपको। चलो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों एक अंकल थे, उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, मार्केट में बोल रहे थे यहाँ वीडियो बनाना और यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे कैमरा बंद करवा दिया, फोन मेरा जेब में रखवा दिया। भाई बहुत सारे लोग ब्लॉगर मैंने देखे, मार्केट जाते हैं दिल्ली वगैरह में, हर जगह वीडियो शूट करते हैं, ब्लॉग डालते हैं बना के, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं यहाँ पे क्यों मना कर दिया। चलो कोई खैर नहीं, कोई बात नहीं, मना कर दिया कर लेना, तो कुछ और दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों मेरे फ्रेंड का खेत है, ये देखिए इसमें यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है, ये मटर है, मटर पर मटर फलियाँ लग चुकी गई हैं, देखिए इस पर फलियाँ भी लगी हुई हैं, दिख रही होंगी हल्की हल्की सी, बहुत बड़ा खेत है। और इधर ये गोभी के ताऊ लगा रहे हैं खेत में पानी, के हरी हरी मटर। दोस्तों मैं अभी बल्ली मार्केट में, देखिए बल्ली का मार्केट है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास का ही, आज दस्त है तो इसलिए मार्केट लगता है बहुत भारी, बहुत भीड़ है। देखिए चार तरफ आप लोग, बहुत भीड़ है। दोस्तों मार्केट से घर आ चुके हैं, कल बुध बाजार में तो वो एक पता नहीं कौन अंकल थे, उन्होंने वीडियो बनाने दी नहीं, जबकि एक दीपक रावत नाम से एक लड़का है, वो तो मार्केट में डांस करता है। बताइए मैं खाली वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। खैर कोई नहीं, अपनी मेंटेलिटी, हो सकता है बाजार के चार्जों को मतलब ठेकेदारों बाजार के कोई भी हो, फिर मैंने मेरा मन भी नहीं हो, फिर मैंने बनाई भी नहीं। और मेरे फ्रेंड वगैरह ने कहा कि चलो मिल के बनाते हैं, मैं नहीं बनाई। मार्केट से मैंने खरीदारी भी जरूर की थी, देखो वहाँ से मैं ये दो कंबल लेके आया, दो ये कंबल लेके आया हूँ मैं, एक कंबल ये है, एक कंबल ये है बिछाने वाले, मैंने वहाँ से चार कंबल लिए थे। और आज गर्मी शॉपिंग की गर्मी से मैंने बहुत सारे खरीदी थे, लेके आया और ये हुडी है, इसलिए है रेड कलर की, येलो कलर की है, ये चारों की बहुत अच्छी, मैं चारों खरीद लाया। और एक ये है, इतनी सारी शॉपिंग की कर मैंने, और अभी भी बाकी चीज़ें और हैं इसमें। इसमें ये शॉल है, ये भांजी के लेके आया हूँ मैं, गर्म शॉल है ये। इसमें इसमें कपड़ा है, सूट का कपड़ा है इसमें, इसमें टोपा है, गौतम ने टोपा मंगाया था, टोपा और मोजे हैं इसमें। इसमें उसकी एयर मिनर है, पजामे और बनियान दोनों चीज़ें हैं इसमें। और इसमें इसमें मट्ठा है, ये बहुत दूर से आई फरकाबाद से मट्ठा आया ये कड़ी बनाने के लिए। और साथ में ये खोया है, बन के चीज़ अपनी खोया भी होगा ये, इसका गाय का हलवा बनाएंगे। और एक चीज़ ये अम्मा के लेके आया हूँ, ये बहुत दिन से बोल रही थी कहीं दिख जाए तो ले आना, ये बहुत काम की चीज़ है, मांगनी पड़ती थी लोगों से, घर में हो गई भी, जिसको जरूरत हो तो वो ले जाए वीडियो देख के। लो सही है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ ले आए, मसाला पीसने को तो हमें से जरूरत पड़ती है, चटनी तो बट मसाले चलो वैसे चटनी पीस लो, अगर लाइट ना आए तो मसाले पीस ले लो, या और कोई मतलब थोड़ी दाल बाल आए अपने बड़े बड़ा बना ले पीस लो, तो ये तो हमेशा काम आता है। चलो
दोस्तों ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल है विजेंद्र दा इंग्लिश टीचर नाम से। आप लोग चैनल पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को देखें। चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग जाना और चैनल पर देखना, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं सारे टॉपिक्स की, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। लगभग 20 वीडियोस पे अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग जाना और देखना सारी वीडियोस पे, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज डाली गई हैं सारी की सारी। ग्रामर चल रहा है अभी, देखना आप सारी वीडियो को विजिट करना। ये आशीष की कोचिंग क्लास चल रही है, आशीष पढ़ा रहा है बच्चों को, यहाँ पे पानी पी रहा है इतने बड़े ड्रम में। ये देखो हाथी क्यों लेके आई अपने साथ, हाथी नहीं चीता है, मतलब इसको पढ़ाने लगी क्या ये, बैठ जाओ आराम से। देखिए बच्चों को पढ़ा रही है, आशीष ने बीएड कर रखा है, हमारे यहाँ सब टीचर हैं, हम लोग तीन लोगों ने बीएड कर रखा है, भैया ने, मैंने, इसने आशीष ने। अब आने वाले टाइम में लड़कियों को बीटीसी कराएंगे। तुम क्या बनोगी नित्या, तुम क्या बनोगी पता नहीं ना, ऊपर देखो क्या बनोगी तुम बताओ। अच्छा मिल, तुम क्या बनोगी, ये पुलिस ऑफिसर बनेंगी ये। तुम क्या बनोगी नित्या, वाह ठीक है, तुम प्रधानमंत्री ही बनना सही है। दोस्तों मेरे यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सभी ज़्यादातर पढ़ते ही रहते हैं पूरा दिन। मैं वीडियो पे आ गया हूँ क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम अभी है नहीं, टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, डेट वेट आ जाएगी, टेस्ट वगैरह लगाता रहता हूँ मैं भी, ऐसा नहीं कि पढ़ना बंद कर दिया हो, पढ़ता भी हूँ मैं, वीडियो पूरे दिन थोड़ा बनाता हूँ मैं। अब देखो क्या होता है, दोनों में से एक चीज़, या सरकारी जॉब लग जाए या यूट्यूब चैनल हो जाए। बहुत ठंडी है भैया, बहुत ठंडी है, यहाँ से देखते तो आपने घर में आग जला रखी है, अंडे की ग्रेट जला रहे हैं। चली अंडे की ग्रेट जला जला के अंडे खाओ और ग्रेट से हाथ देखो। और मिनरी तुम क्या करनी है हाथों में, मैंने नेल बनवाई ना, तुम नेल आट रहा है इनमें, हाँ मैं पार्लर पार्लर नहीं रही। अच्छा दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे एडिटिंग करनी है, इसलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखा करिए, इसके मत क्या करिए, और लोगों में सब्सक्राइब करा करो मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, कमेंट करो, कैसे भी कमेंट करो, अच्छे बुरे बताओ, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा ख़राब लगता है, वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए मुझे बताया करो कुछ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छा करने का। चलो चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।